तो चलो यार, मेरा जो टॉपिक का लाइनअप था उसी के हिसाब से मैं अभी आया हूँ कि भाई एग्जैक्टली जो वीडियो पहले आना चाहिए था वो बाद में आने वाला है, और इससे पहले आप एसआरके का वीडियो देख चुके होंगे। तो कल मेरे दिमाग में चल रहा था कि भाई अमिताभ बच्चन जो बिग शहंशाह और बहुत ही बड़े नाम से जाने जाते हैं, उनको अचानक से गुटखा बेचने की जरूरत क्यों आ गई। और सिर्फ वही नहीं, हमारा शाहरुख खान हो या फिर अजय देवगन, सलमान खान हो या फिर और भी जितने भी लीडिंग हीरो हैं, जिनको मतलब हम लोग अपने एक टाइम पे हर एक चीज़ कॉपी किया करते थे, तो भाई वो सभी लोग गुटखा, शराब और बहुत ही अलग अलग चीज़ जैसे कि बियर वगैरह क्यों बेचने लग गए। यकीन मानो, एक समय तक, कुछ ही साल पहले की बात है, जब मुझे उतनी समझ नहीं थी, तो मैं समझता था कि शाहरुख खान जो है ना रॉयल स्टैग होगा शायद, तो भाई इस चीज़ के ऊपर में जो है ना वो ये बताते हैं कि उन्होंने लाइफ में सक्सेस को कैसा हासिल किया है और उस सक्सेस को कंटिन्यू रखने के लिए वो क्या करते हैं। तो मुझे लगता था कि यार मेक इट लार्ज, मतलब अपने आप को और थोड़ा अनकंफर्टेबल करो, अपने कंफर्ट लेवल से बाहर आओ और वो सारी चीज़ें ट्राई करो जो आप अभी तक नहीं किए हो। मुझे अब तक यही लगता था, फिर जैसे जैसे थोड़ा मतलब दिमाग समझ में आने लग गया, दिमाग अलग तरह से काम करने लग गया, तो उस वक्त में आया दिमाग में कि भाई ये एग्जैक्टली जो है ना एक शराब का ब्रांडिंग है। फिर कुछ दिन के बाद देखा कि सक्सेस की चमक ही कुछ और होती है, जो कि प्रियंका चोपड़ा और ना जाने कितनी सारी हीरोइन जो है, मतलब एकदम डार्क थीम के अंदर में एक चमकती हुई चीज जस्ट लाइक अ डायमंड हाथ में कुछ रखी रहती है और खा लेती है, वो एग्जैक्टली होता है इलायची। लेकिन भाई वो इलायची भी एक तरह का गुटखा है, जबकि पान और बीड़ी के दुकान पर जाओगे तो आपको समझ में आएगा कि वो बाबा इलायची या पता नहीं जो भी नाम है, नाम लूंगा तो शायद इस वीडियो की बैंड बज जाए, तो अभी शायद मैं आगे जो नाम लूंगा थोड़ा बदल कर लूंगा, आप समझ जाना क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। इसके अलावा मैं सोचता था कि मेन विल बी मेन, इस पे लगता था मुझे कि लड़कियां पटाने के लिए मर्द क्या क्या करते हैं, लिफ्ट में कैसे पेट अंदर करके लड़कियों को अपने एज का एहसास नहीं दिलाते हैं। फिर बाद में पता चला मेन विल बी मेन इट्स ऑल्सो अ लिक्विड, सभी शराब बेच रहे हैं लेकिन बहुत घुमा फिरा के बेच रहे हैं। तो बिल्कुल ऐसे ही जो है अभी बिग बी बेचने लग गए हैं भाई, बोलो जुबा केसरी का कोई पार्ट टू है वो भी बेचने लग गए हैं। और सबसे बड़ा झटका मुझे तब लगा, अजय देवगन तो बेच रहे थे बोलो जुबा केसरी और पता नहीं कब से बेच रहे थे, उस वक्त में वो आसमान से केसर वगैरह उड़ता था तो मुझे इतना समझ में नहीं आता था। फिर ऐसे दोस्तों से दोस्ती हुई, समझाया कि एग्जैक्टली वो केसरी स्वाद होता है उसमें, उस गुटके में, और उसको खाने का मजा ही कुछ और होता है। फिर उसमें बैन भी लग गया, लेकिन अभी भी पान और बीड़ी के दुकान पे जो है ना छुप के मिलता है, खास करके महाराष्ट्र में जो है ना आपको कुछ और नाम लेना पड़ेगा, वो चुपके से हाथ में पकड़ा देते जस्ट लाइक अ ड्रग्स, शायद आप गांजा या फिर ड्रग्स कुछ लेते हो तो वैसे छुपा के देते। तो जहां हमारे शहंशाह जो है एक तरफ एक ज्ञान गुण बने हुए हैं, मतलब जहां केबीसी के हॉट सीट पे बैठते हैं, वो भले से स्क्रीन पे लिखे हुए चीजों को पढ़ के बोल रहे हो, लेकिन ऐसा लगता है कि यार उनके अंदर में ये सारे ज्ञान है और वो ज्ञान जो है आपके ऊपर में फैले जा रहे हैं, और आप उनको देख करके वो फील करते हो कि वाह यार उम्र के साथ साथ ज्ञान भी आता है, लेकिन एग्जैक्टली वो स्क्रीन पढ़ करके सारे ज्ञान दे रहे होते हैं और आज जो है इस लेवल पे पहुंच चुके हैं कि घर चलाने के लिए गुटखा बेचना पड़ रहा है। तो एग्जैक्टली अब क्या हमें उस लेवल पे रहना चाहिए या नहीं, ये आपको डिसाइड करना है। क्योंकि एक टाइम हुआ करता था जब मैं शाहरुख खान के हेयर स्टाइल तक को कॉपी करता था और हर एक चीज को कॉपी करने की कोशिश करता था, भले से वो वॉक हो या भले से वो अपना हाथ उठाना हो, जो भी बोलो यार वो सारी चीजें करता था। अगर मैं बात करूं अमिताभ बच्चन की, तो अमिताभ बच्चन भी वो फिगर है, वो पब्लिक फिगर है जो कहते थे दो बूंद जिंदगी की, और उनकी बात सुन करके जो है पूरी इंडिया अपने बच्चे को पोलियो खिलाने लेके जाया करते थे। अब अगर आज वो बोलते हैं कि भाई ये तो एक इलायची है या फिर एक तरह का सुपारी है और उसको खाने से कुछ नहीं होता, पर जब आप खरीदने के लिए जाते हो तो एग्जैक्टली एक गुटखा निकलता है, तो अब क्या पूरे हिंदुस्तान को लग जाना चाहिए कि भाई बिग बी ने कहा है तो हमें तो जाके लेना ही चाहिए। बहुत ज़्यादा हो गया ना। बस मैं वो सारी चीज़ों को रिकॉल कर रहा था जो मैं अब तक एडवर्टीजमेंट में देखता आया, और धीरे धीरे टीवी में जो भी चीज़ें आया करती थी उन सारी चीज़ों से जो है मेरे पेरेंट्स ने दूर करना शुरू किया कि इसमें जो भी चीज़ें दिखाई जाती है वो रियलिटी तो बिल्कुल भी नहीं होती, और जो भी चीज़ स्टार प्रमोट कर रहा होता है वो ज़िंदगी में कभी खुद भी उसको एक बार यूज़ भी नहीं करता। इस चीज़ का एहसास वैसे सलील जामदार ने दिखाया है, जिनका चैनल जो है ना जाने कितनी बार यूट्यूब ने ब्लॉक किया है और उन्होंने कितनी बार से जो है बाउंस बैक किया है और वापस आकर के फिर से अपने उसी कॉन्टेंट से स्टिक रहे और लोगों को बार बार जो है वो जागरूक करते रहे। भले से आप कोई कोल्ड ड्रिंक पी रहे हो या फिर कोई अपना मतलब बर्गर वगैरह खा रहे हो, कुछ भी खा रहे हो, वो सारी चीज़ें कोई भी स्टार नहीं खाता है, नहीं लगाता है, शैम्पू हो, तेल हो, पाउडर हो, एवरीथिंग वो कभी यूज नहीं करते, जबकि वो खुद जो है ऑर्गेनिक चीजों का नाम लेकर के
काफ़ी ज़्यादा महंगे कीमत में बाहर से मंगवाते हैं और उसको इस्तेमाल करते हैं। जो पहले से गोरे होते हैं वो बताते हैं कि ये फेयरनेस क्रीम लगा करके मैं गोरा हुआ हूँ। जो पहले से अच्छे खासे बॉडी बना के रखे हैं वो कोई प्रोटीन शेक बेच रहे होते हैं, जैसे कि हमारे अक्षय कुमार आजकल बोल रहे होते हैं भाई इस एज में आकर के, कि आपको अगर फिट रहना है तो जितना आपका वजन है उतने ही ग्राम का आपको प्रोटीन चाहिए और उस चीज़ के लिए आप इस चीज़ का इस्तेमाल करो। तो मेरे हिसाब से किसी भी स्टार को कोई भी बीमारी नहीं होनी चाहिए, लेकिन जब इसी सारे स्टार को जब कोरोना हो जाता है, कुछ और हो जाता है, तो फिर वो सारी चीज इस्तेमाल क्यों नहीं करते? एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है? अगर आप किसी चीज को खुद प्रमोट कर रहे हो तो खुद इस्तेमाल क्यों नहीं करते? मैं तो यार शुक्रगुजार हूं उन सारे यूट्यूबर्स का जो आज के डेट में कोई भी चीज जब प्रमोट करते हैं तो उस चीज को लगा करके यूज करके दिखाते भी हैं और एक बार नहीं, दो बार नहीं, महीनों तक, सालों तक एक ही प्रोडक्ट को प्रमोट करते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि उन्होंने कोई बॉन्ड साइन किया हुआ है, लेकिन बहुत सारे यूट्यूबर इतने ऑनेस्ट हैं कि उन सभी चीजों को प्रमोट करते हैं जो रियल में काम करता है, ना कि उन सारी चीजों से आपको कोई भी हानिकारक चीज हो सकती है। What's your take? आपको क्या लगता है कि क्या अभी भी वो समय है 70s, 80s, 90s या फिर अर्ली 2000 का या फिर 2015 या फिर 2010 तक का समय जो था कि हर एक चीज़, भले से स्टार का बोलने का स्टाइल हो, खाने का स्टाइल हो या फिर किसी भी चीज़ को करने का तरीका हो, उस चीज़ को हम अपने लाइफ में इंप्लीमेंट कर लेते हैं? ये अगर आप कर रहे हो अभी भी तो यार प्लीज़ संभल जाओ, आपका वक्त जो है बहुत नज़दीक आ सकता है कि भाई आपको डॉक्टर के पास में चक्कर लगाना पड़ जाए। प्लीज़ बी वेयर। और आपका क्या टेक है इस चीज़ में कमेंट सेक्शन पे जाकर के ज़रूर बताना, और ये भी ज़रूर बताना कि अगर आप सुपरस्टार होते हो तो क्या जिंदगी भर आप ही को कमाना पड़ेगा या आपके बच्चे भी कुछ कर पाएंगे आपके लेवल का? मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ आप सबको समझ में आ चुका होगा। अपनी विचारधारा या कमेंट सेक्शन पे जाकर के ज़रूर बताना कि क्या है आपकी विचारधारा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।